तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक बार और वापस से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दरअसल एक आपको एक बेसिक आइडिया देगा। आइडिया इस बात का देगा कि आप यदि कोई इकोनॉमिक आस्पेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से स्टडी करें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, कुछ दो चीज़ों को यदि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन की कौन कौन कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मान लीजिए कि आप दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक गन है और एक बटर है ना। देश में आपके पास साधन है, संसाधन है, आपके पास रिसोर्सेस है। वो रिसोर्सेस को हो सकता है कि आप अच्छे कामों में लगाओ या हो सकता है कि आप उनको जो है आप लड़ाई वड़ाई में भी लगाओ। जो देश अच्छे कामों में लगाते हैं वो प्रोग्रेस कर जाते हैं। पर एक बात चीज़ है कि आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटीज़ ये बन सकती है कि पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई में नाम दे देता हूँ इसको, कि पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है कि मान लीजिए कि आप जो है आप गन बना रहे हैं, या आप मैं इधर बटर कर लेता हूँ और इधर मैं गन कर देता हूँ। मान लीजिए कि अभी तक आप जो है क्या कर रहे हैं, अभी तक आप पूरा अपना जितना भी संसाधन है आप सारे उल्टे कामों में खर्च कर रहे थे। उल्टे कामों इट मीन्स ये कि गन बनाने में आप डिफेंस के लिए खर्च कर रहे थे, तो आप जो है वीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे, बटर वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे। तो गन आप जो है उस समय कितने प्रोड्यूस कर रहे होंगे? गन अपनी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे। एक चीज़ बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहे, दूसरी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे कर पाएंगे? तो आप ज़्यादातर प्रोड्यूस कर पा रहे थे, मान लो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे, कितनी कर पा रहे थे? 10। फिर आपने जब इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, 1 से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। जैसे जैसे आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाते गए, इसका प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। और कम किस तरीके से होगा वही आपको मेन देखने वाली चीज़ है। पहले मैं करूँगा इसको 10 से 9, पहले मैं कम करूँगा 1 से, फिर मैं कम करूँगा 2 से, फिर मैं कम करूँगा 3 से, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर मैं कम करूँगा 4 से, तो कितना हो जाएगा? 0। ये क्या हुआ? ये कुछ कॉम्बिनेशंस बन गए। क्या बन गए? कॉम्बिनेशन, कि आप ये 0 बना लो और ये 10 बना लो, ये 1 बना लो और ये 9 बना लो, ये 2 बना लो और ये 7 बना लो, ये 3 बना लो और 4 बना लो, ये 4 बना लो और ये 0 बना लो। अब इसमें ये जो आप ये जो रेशियो है 1 2 3 4, ये जो सेक्रीफाइस जो है ये बढ़ते क्यों जा रहा है? इसकी बढ़ती हुई रेट क्यों है भैया? हेलो, इसकी बढ़ती हुई रेट क्यों है? कोई मुझे कोई कॉमन सेंस के थ्रू कोई जवाब दे सकता है क्या? ऐसा क्यों है? क्यों होगा ऐसा? पहले एक का ही नुकसान हो रहा, फिर 2 का हो रहा, फिर 3 का हो रहा, फिर 4 का हो रहा, मतलब आपका सेक्रीफाइस करने का जो रेट है वो बढ़ रहा है। एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को आपको खोना पड़ रहा है, और खोने की रेट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बताऊं मैं बता रहा हूं आपको। देखो, ये 2 प्रोडक्ट है, आप बटर गन कुछ भी मान लो, एक्स वाई कुछ भी मान लो, 2 कोई 2 प्रोडक्ट है ना। ये मान लो ये कपड़ा मान लो, और ये इसको जो है आप फर्नीचर मान लो, कुछ भी मान लो आप। जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं है ना, इसको मैं वाई नाम दे रहा हूं, इसको एक्स नाम दे रहा हूं। जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइल बटर प्रोड्यूस करने में होगी क्या? नहीं होगी। उनकी एक्सपर्टाइल बटर प्रोड्यूस करने में कम होगी। मान लो कि यहाँ पर टोटल 10 लोग काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग। 10 में से 10 के 10 तो एफिशिएंट नहीं होंगे, 10 में से कुछ ऐसे होंगे जो कम एफिशिएंट होंगे, और जो कम इधर कम एफिशिएंट हो सकता है कि इधर एफिशिएंट हो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास 10 लोग थे और ये 10 लोग ये वाला काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें से आपको एक को बाहर निकालना है, तो पहले किसको बाहर निकालोगे आप? जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको बाहर निकालोगे, या जो कम काम कर रहा है उसको बाहर निकालोगे? जो कम काम कर रहा है उसको।
मतलब कि आपको पहले इधर नुकसान जो है कम होगा, क्योंकि पहले आपने किसको निकाला, जो कम इफिशियंट है, जो कम इफिशियंट है। तो पहले इस एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को आपने निकाल दिया, एक व्यक्ति को निकाल दिया, उसका आपका प्रोडक्शन ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। फिर जो आपने वापस से एक व्यक्ति को बाहर किया, मैं मान लेता हूँ यहाँ चार पांच लोग ही, कितने लोग हैं, पांच लोग ही, सिर्फ पांच लोग, कितने हैं, पांच। पहले जो सबसे कमज़ोर था उसको बाहर निकाला तो आपका नुकसान कम हुआ। फिर दूसरी बार आप जब निकालेंगे दूसरे व्यक्ति को जो निकालेंगे, तो वो इससे अच्छा होगा, है ना, इससे अच्छा होगा और बाकी इससे कमज़ोर होगा, तो आपको नुकसान क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर तीसरा व्यक्ति कौन होगा, ऐसा होगा जो इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है ना, बाकी दो से कम है लेकिन उनसे तो एक्सपर्ट है, तो उसको आप निकालेंगे तो इधर आपको इधर तो फायदा हो जाएगा लेकिन इधर नुकसान ज़्यादा होगा। फिर चौथा आदमी क्या होगा, और एक्सपर्ट होगा, उसको भी आप निकालेंगे तो आपको नुकसान क्या होगा, ज़्यादा होगा। पांचवा आदमी आप निकाल देंगे तो पांचवा भी आपने निकाल दिया तो क्या होगा, वो सबसे जो मेन जो बॉस था उसको आप जो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइल थी इसकी, वो निकल गया तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, इधर तो बढ़ जाएगा लेकिन इधर ज़्यादा से कम होगा। ठीक, इसलिए ये जो इसका रेट बन रहा है ना, रेट क्या है, ये यही रेट है कि भाई इसको आपको एक पाने के लिए, ये पहले वाले को छोड़ दो आप, इसको एक पाने के लिए, इसको एक पाने के लिए, इसको एक पाने के लिए आपको यहाँ खोना कितना पड़े, यहाँ पर एक खोना पड़ा, एक पाने के लिए दो खोने पड़े, एक पाने के लिए यहाँ पर तीन खोने पड़े, एक पाने के लिए यहाँ पर आपको चार खोने पड़े, यानी इसको हम बोलते हैं रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेट। रेट कौन सी रेट बोलते हैं, इसको MRT बोल सकते हैं या MOC भी बोल सकते हैं, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेट क्या होती है, ये रेट बढ़ती हुई होती है, ये रेट क्या होती है, बढ़ती हुई होती है, रेट क्या होती है, बढ़ती हुई, कि एक को पाने के लिए पहले एक खोया, फिर दो खोए, फिर तीन खोए, फिर चार खोए, इस टाइप से, मतलब ये रेट बढ़ती हुई होती है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम जो कभी दो चीज़ बनाएंगे तो पहले किसको निकालेंगे, जो कम एफिशिएंट होगा, फिर किसको हटाएंगे, जो उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, जो उससे ज़्यादा एफिशिएंट, फिर इससे हटते जाएंगे, इसलिए पहले नुकसान कम होता है, बाद में नुकसान ज़्यादा होता है। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये दो आप चीज़ बना रहे थे, मान लीजिए आप ये जलेबी बना रहे हो, आपके हलवाई हैं आप, हलवे आपके मिठाई दुकान है, ये जलेबी बनाने वाला है और ये मिठाई बनाने वाला है ना, तो ये जलेबी बनाने वाले लोग हैं, ये पांच लोग थे मान लो, तो पांच लोग मिलकर के 10 किलो जलेबी बना रहे थे, 10 किलो जलेबी बना रहे थे, 10 किलो जलेबी बना रहे थे, फिर बोले कि हम मिठाई का काम स्टार्ट करते, बोले बर्फ़ी भी बनवाएंगे, तो बर्फ़ी बनाने के लिए आप किसको हटाओगे पहले, जो जिसको जलेबी अच्छे से नहीं आती होगी उसको बोले यार तू ये कमर, तू बर्फ़ी का काम कर ले, बोले हाँ मैं बर्फ़ी में अच्छा हूँ, बर्फ़ी से कर लूँगा मैं। ऐसा होता ही है कि जो आदमी इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं तो दूसरी चीज़ में एक्सपर्ट क्या होता है, वो होता है। तो आपने पहले इसको हटाया, फिर दूसरे को जब हटाएंगे तो उसको जलेबी अच्छे से आती होगी, तीसरा होगा तो उसको और ज़्यादा अच्छे से आती होगी, तो आपका नुकसान क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जलेबी का नुकसान बढ़ते जाएगा और बर्फी का क्या होता जाएगा, फ़ायदा होता जाएगा। ठीक, ये बात है। तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। अब इसी बात को, ये तो था क्या, ये तो शेड्यूल था, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल था, ये क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, शेड्यूल मतलब कि टेबल, क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब हम बना रहे हैं इसका, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर्व। अब इस पर एक काम करो आप, जो ये एक्स है, एक्स को मैं किधर मान लूं, इधर मान लूं, इधर उनको वाई मान लूं, है ना, हम लोग सब यही मानते हैं, वो भी मानते हैं, यही मानते हैं। तो एक्स को जितना भी एक्स जो है इसको हम इस साइड प्लॉट कर देंगे, जीरो तो यहाँ होता ही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर वन मान लिया मैंने, यहाँ टू या थ्री या फोर, वन टू थ्री फोर हो गया। इधर ये क्या पर है, क्या है, इधर जो है हम 10 तक जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, टू फोर सिक्स 8, 10, ये स्केल बराबर लेना रहती है, तो मालूम है ना, 2, 4, 6,
एट 10 हो गया। अब हम इसको क्रॉस मिलाएंगे, कहाँ पे मिल रहा है, जीरो में कितना है 10, तो ये जीरो है तो ये कितना है 10, एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया हमारा। फिर वन पर कितना है 9, तो ये वन है और ये यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो ये बी पॉइंट हो गया, हो गया बी पॉइंट, ये वन है और ये 9 है, यहाँ पे 9 होगा ना, सही है कि नहीं है। फिर टू पे कितना है 7 है, ये रहा 2, 2 पे कितना होगा 7, 7 मतलब यहाँ होगा, यहाँ होगा ना 7, तो ये हो गया सी पॉइंट हो गया। फिर डी, 3 पे कितना है 4 है, ये 3 है, 3 पे कितना आएगा 3 पर 4, 4 ये रहा है सामने, ये क्या हो गया डी, और 4 पे कितना है 0, 4 पे कितना है 0, ये ई पॉइंट हो गया, हो गया। अब आप इसको मिलाएंगे तो लगभग लगभग कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, एक कर्व बनेगा इस टाइप का, कॉनकेव कर्व बनना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व है इसी को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा बनेगा, कॉनकेव टू ओरिजिन, कैसा बनेगा कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक। एक स्टैंडर्ड पीपीसी जो होता है वो कॉनकेव टू ओरिजिन ही होता है। और व्हाई इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन, बिकॉज एमआरपी इज इंक्रीजिंग, बिकॉज एमआरपी इज इंक्रीजिंग। यदि मान लो ये इंक्रीजिंग नहीं होती, आप एक ऐसा क्वेश्चन मिला आपको जिसमें वन के बदले वन ही जा रहा है, वन के बदले वन ही जा रहा है, वन के बदले वन ही जा रहा है, या टू के बदले टू जा रहा है, या टू के बदले टू जा रहा है, रेशियो एक जैसा होता, तो ये कर्व बिल्कुल कैसा बनता बताऊं मैं, ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट बनता, कैसा बनता स्ट्रेट। या मान लो इसका नेगेटिव होता कि पहले 4 सेक्रीफाइस हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, ऐसा नेगेटिव होता तो ये कर्व कैसा बनता, ऐसा बनता। ऐसा अभी आप एग्जाम्पल में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको करके देखना है कि पीपीसी कैसा बन रहा है। स्टैंडर्ड जो पीपीसी होता है वो ऐसा ही होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन। व्हाई इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन, बिकॉज एमआरपी इज इंक्रीजिंग। और एमआरपी क्यों इंक्रीजिंग है उसके पीछे लॉजिक हमको पता है कि ये पहले सेक्रीफाइस किसको करेगा, जो कम कम फिर ज्यादा एफिशिएंट वालों को सेक्रीफाइस करेगा, फिर ज्यादा वालों को, तो इसका सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता जाएगा, इसका नुकसान एक चीज नुकसान बढ़ता जाएगा, दूसरी में तो फायदा हो ही रहा है, राइट है ना। ये रहा इसको आप नोट करें, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को आपको कैलकुलेट, आपको उसको सेंटर बनाना है और डायग्राम बनाना है और देखना है कि बीपीसी कैसा बनता है, कॉनकेव बन रहा है, कॉनवेक्स बन रहा है। ये रहा, थैंक यू वेरी मच। अभी हमने जो फिलहाल अभी पढ़ा वो पीपीसी मतलब ऐसा कॉनकेव बन रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें दो प्रोडक्ट है, एक्स और वाई प्रोडक्ट ही है, एक्स है और वाई है, ठीक है, और इनके कुछ कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए, और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपको दे रखा है, मतलब एक का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। पहले 100 यूनिट था मान लो, फिर 80 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 0 हो गया, मान लो ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन को लेकर के आपको कैलकुलेट करना है एमआरटी क्या होगी, ये फील करो आप, और ये कर्व कैसा बनेगा ये आप करो, ठीक। आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। मैं मानता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, आप करते रहें अपनी कॉपी में, मैं भी और आपको टाइम दे रहा हूँ, टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो मुझे सिर्फ आप इतना बता दो एमआरटी कैसे आएगी, यहाँ तो 1-1 रहेगा, ये तो तय है, इधर का क्या आएगा 20, यहाँ पर भी क्या रहेगा 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 20, मतलब जो इसका रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चंस अपने आप में एक अलग टाइप का हो गया कि व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट,
जब एमआरटी कांस्टेंट हो तो पीपीसी कैसा होगा, मतलब पीपीसी के अलग अलग कंडीशन है, जब एमआरटी इंक्रीजिंग हो तो पीपीसी कैसा होगा, कौन के हो। अब जब एमआरटी कांस्टेंट है तब पीपीसी कैसा होगा, तो अब आपने ग्राफ, इसको ग्राफ पर आप प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 4 तो यहाँ लिख देंगे आप 1 2 3 4 और ये 5 आपने लिख दिया। इधर आप 100 तक जा रहा है तो मैं इसको मान लेता हूँ 20 से क्या होगा 20 40, फिर बोलो 60, यही बना। जीरो पर कितना है 100 है, तो जीरो पर 100 तो ये पॉइंट ए हो गया। फिर वन पे कितना है 80, वन पर 80 है, मतलब ये यहाँ पर होगा, पॉइंट बी बन गया। फिर टू पर कितना है, टू पर जो है 60 है, टू पर 60 है, पॉइंट सी बन गया। फिर थ्री पर कितना है 40, थ्री पर 40 ये बन गया पॉइंट डी। फोर पर कितना है 20, फोर पर है 20, फाइव पर कितना है मतलब जीरो, ठीक। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट है, इसी ए पीपीसी बन रही है स्ट्रेट लाइन, तो पीपीसी विल बी स्ट्रेट व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। जब एमआरटी कांस्टेंट होगी तो पीपीसी कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। इससे आपको एक स्टडी और बढ़ रही है कि इधर का जो रेशियो होता है ना, उसके बेसिस पर ये तय होता है कि इसका शेप क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा उसी बेसिस पर इसका शेप तय होता है। तो अभी आज हमने स्टडी किया पीपीसी व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, और दूसरी चीज क्या स्टडी की हमने, पीपीसी व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, ठीक। अब आगे हम नेक्स्ट में वीडियो में हम बात करेंगे किस बारे में, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यदि रिसोर्सेज बढ़ गए तो पीपीसी भी क्या इफेक्ट होगा, घट गए तो क्या होगा, बाकी और कंडीशंस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।